अब सभी ने मिलकर लकड़बग्गो की नानी याद दिला दी थी और नाला भी सभी लकड़बग्गो को धूल चटा रही थी। तभी नाला भी लकड़बग्गो के सरदार को मारकर पहाड़ से नीचे गिरा देती है और सभी लकड़बग्गे अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे थे। और इस बूढ़े शेर का अंतिम समय आ चुका था, भर चुका था इसके पाप का घड़ा। ये चाह कर भी खुद को नहीं बचा सकता था। तभी वो बूढ़ा शेर यहाँ से भाग रहा था, सिम्बा उसके पीछे था। और बूढ़ा शेर भाग कर एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गया था जिसके आगे केवल खाई थी और इसके पीछे था सिम्बा। बूढ़ा शेर कहता है, भांजे मुझे माफ कर दो। सिम्बा कहता है कि इतना कुछ करने के बाद भी किस बात की माफी। बूढ़ा शेर कहता है कि ये साजिश उन लकड़बग्गों की थी जिन्होंने मुझे डराकर ये सब कराया, लेकिन वो लकड़बग्गे ये सारी बातें सुन रहे थे। सिम्बा कहता है कि तुमने अपने परिवार को धोखा दिया और इसकी कोई माफी नहीं होती। बूढ़ा शेर कहता है कि सिम्बा तुम अपने सगे चाचा को मारोगे। सिम्बा कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। बूढ़ा शेर ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि महाराज आप बताओ मुझे क्या करना है। तभी सिम्बा कहता है कि यहाँ से भाग जाओ और वापस लौटकर कभी मत आना इस पवित्र धरती पर। बूढ़ा शेर ये सुनकर यहाँ से जाने लगता है। तभी वो धोखे से सिम्बा के मुंह पर आग की चिंगारी मारता है और उस पर हमला करने लगता है।